तो गाइस आज हम जा रहे हैं सारनाथ घूमने के लिए। आज है दीपावली की रात और आज हम घूमेंगे सारनाथ 80 घाट और हम आपको बताएंगे कौन सा जगह बेस्ट है घूमने के लिए दीपावली के दिन। तो चलते हैं और इस समय हम हैं जो कि ये है चंद्रा चौराहा, आशापुर रोड पे चंद्रा चौराहे पे इस समय हम पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी ही अच्छा आकर्षण बना हुआ है। इस रात को कितना अच्छा तरीके से सजाया गया है तो देख सकते हैं दोस्तों। ये है आशापुर, हम इस समय आशापुर पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल इसको बना दिया गया है, देख सकते हैं। और ये बाज़ार है, मार्केट है, शॉपिंग का एक दुकान, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको सजाया गया है। और अब हम देखें आशापुर से जब आगे जाते हैं, ये सब होटल है, ये देख सकते हैं होटल कितना ही जानदार तरीके से सजाया गया है। बाकी हम वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे घूमने लायक है कि नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज की रात घूमने में। और इसके बाद यहाँ से हम लोग 80 घाट डायरेक्ट जाएंगे, बहुत ही 80 घाट का हम लोग देखते हैं, बहुत ही सजावट वजावट रहता है क्योंकि दीपावली दिन रहता है कि नहीं, हम आज ये आपको हम बताएंगे वहाँ जाके। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सारनाथ मार्केट और अभी हम मार्केट से जो हम लोग जहाँ भी घूमने जाएंगे, यहाँ पे सीता रसोइयाँ पर था, कोई सजावट नहीं थी इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। उसके सीता रसोइयाँ के आगे एक और पड़ता है जिसमें बुद्ध जी का बहुत ही विशाल मूर्ति लगा हुआ है, वो भी बंद था, वहाँ पे भी कोई सजावट वजावट नहीं थी इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। हाँ, अब हम लोग डायरेक्ट तीसरा जो है घूमने लगा वहाँ पे सारनाथ में, हमने कहा तो कट करके कर 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 कुछ है नाम दिखाएंगे आगे करके क्या नाम है वहाँ का। तो वहाँ पे के लिए देखिए घूमने के लिए यहाँ पे भी कोई सजावट अंदर नहीं है और गेट बंद है बाहर से, यहीं पे पर्यटक रुकते हैं लोग ज़्यादातर यही मोड़ पे। और ये सब दुकानें जो कि सुबह सजी रही रहती हैं ये सब बंद है, दुकानें देख सकते हैं सब बंद है क्योंकि सभी लोग दीपावली का त्यौहार है और सभी लोग दुकानें बंद करके अपने घरों की ओर चल दिए हैं, घर जा चुके हैं। तो आज उतनी रौनक मतलब सारनाथ के नज़दीक में मार्केट में तो थी रौनक, पर इसके आसपास मतलब जो मन है उतना कुछ खास रौनक तो नहीं है, फिर भी है। और अब हम मुलंग धकुटी बिहार में पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे क्या खूबसूरत ही आकर्षण बना हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और ये देख सकते हैं बीच में आने जाने के लिए छोड़कर पूछा दोनों तरफ दियों का कतार लगा दिया गया है जो कि 6 बजेंगे जब, तो उसके बाद ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे 6 बजे के बाद। तो देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल इस समय मंदिर लग रहा है और हम उस साइड जाकर भी दिखाते हैं दिया हुआ कैसे लगा है सब। अंदर चलिए गए, वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है, सारनाथ का हम पूरा दिखाएंगे आपको आज। तो वैसे 6 बजे मेन गेट बंद हो जाता है, हम लोग प्रयास करेंगे गेट बंद होने से पहले बाहर भी निकल जाएं और इस समय 5:30 बज रहा है। तो देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल है यहाँ पे, वैसे तो घूमने के लिए बहुत कम ही लोग आए हैं, आसपास के ही लोग हैं और हम लोग ये देखने के लिए गए दीपावली पे कैसे सजता है यहाँ पे। बहुत देखने को मिलता है यूट्यूब पे अदर जगह कि एकदम पूरा बनारस झालरों से सजा हुआ है। तो आए हम पहला स्थान है सारनाथ घूमने के लिए, तो देख सकते हैं आप लोग अंदर बुद्ध जी की मूर्ति भी लगी है जो कि सोने की भी मूर्ति इसमें लगी है, इसलिए अंदर मोबाइल वोबाइल लेकर जाना अलाउ नहीं, इसलिए मोबाइल वोबाइल लेकर हम लोग अंदर नहीं गए। और ये देख सकते हैं दोनों तरफ देसी शुद्ध देसी घी के दिए रख दिए गए हैं जो कि 6 बजेगा अब घंटी बजेगा तभी ये होगा, तब तक हम अंदर का दिखाते हैं। देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं
और बुद्ध जी का उपदेश देते हुए जहाँ पर ये बना है, चित्रण किया गया है उपदेश देते हुए, वो वहाँ जगह पे हम चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं हम गेट के अंदर आ गए, और यह है गौतम बुद्ध जी का वो स्थान जहाँ उपदेश दिए हैं अपने पांचों शिष्य, जिनके पांच शिष्य हैं। देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमने में यहाँ। अभी सब दीप, सब चारों तरफ दिए रखे गए हैं, अभी धीरे धीरे जलेंगे 6 बजने। अब 6 बजने वाला है तो अंदर से दिए, जितने दीप हैं सब जलना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, मतलब अपने से नहीं जला रहे लोग दीप। तो बज चुका है 6, अब दीप जलना स्टार्ट बाहर भी होंगे। अब देख सकते हैं अंदर धीरे धीरे दीप सब जला दिया गया है, और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को इस वीडियो में, जो कि बहुत ही वाइब्रेट करके बज रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों, एक तरफ गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ सब कांच के अंदर हैं, और दूसरी तरफ वो पीतल का बना हुआ जो एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, लोग बताते हैं वो है। देख सकते हैं सभी जगह दीप रख दिया गया है, भोग लगा दिया गया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम चलते हैं उस घंट की तरफ जो बजता है शाम को, तो आपको दिखा देते हैं, बजते हुए भी हम आपको दिखा देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, घूमने में सारनाथ वाकई में रात को दीपावली दिन घूमने लायक है। और 6 बजे गेट भी बंद हो जाता है, और 6 बज गया, अब गेट बंद होने वाला है। हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना है 80 घाट। तो दोस्तों देख लीजिए आज इस घंट को बजते हुए, क्योंकि हमें लग रहा है आप लोग जितने बार भी घूमने आए होंगे इस घंट को बजते हुए नहीं देखे होंगे, और अभी देख लीजिए इसको बजा चुके हैं अब घंट को। अब घंट बजा हो जाकर वो रस्सी जो है बांध उन के इसको लॉक कर देंगे, कि कोई इससे बजा कर शरारत ना करे। तो देख सकते हैं दोस्तों आज तक आपने कभी देखा था इस घंट को बजते हुए? अगर देखा था तो बताइए कमेंट में, नहीं देखा है तो ये भी बताइए। हम तो इसको प्लास्टिक का समझते थे, पर आज मालूम हुआ कि ये है, और इतना तेज बजता है, इतना तेज वाइब्रेट करता है वाकई में। और ये देख सकते हैं दीवार है जो कि मंदिर की दीवार है, कलरफुल आज दीवार भी लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज घूमने फिरने में। और अभी सब दीप उप जल जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। देख सकते हैं कि दीवार दोनों तरफ से कैसा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल। तो दोस्तों बताइए कैसा है, दिन में तो आप लोग घूमे होंगे पर रात में कभी नहीं घूमे होंगे, तो आज हम रात को आप लोग का वीडियो दिखा दिए। और ये देख सकते हैं सीढ़ियों पर दोनों तरफ दीप रख दिया गया है, दिए जलाने के लिए, और बहुत थोड़ा सा जगह आने जाने के लिए छोड़ा गया, तो हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं, देख लीजिए, क्योंकि अंदर अलाउ भी नहीं है मोबाइल लेकर जाना, तो हम बाहर से जूम करके दिखा दिए आप लोग को। और ये देखिए बाहर से नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है वाकई में। और देख सकते हैं अब अंदर दीप तो जल गया है, बाहर भी दीप जलना स्टार्ट हो गया है, और हम लोग इस समय गेट से बाहर निकल चुके हैं, और ज़रूर इसका वीडियो बनाएंगे, बना दिए, बाकी हम लोग गेट से बाहर इस समय, गेट बंद हो चुका है, मोबाइल का कैमरा जूम करके हम वीडियो ले रहे हैं, और इसलिए हम लोग बाहर हो गए कि हम लोग जा रहे थे वो घर, घर कर रहे हैं 80 घाट जा रहे थे, तब तक देखें इधर भी दीप जलने लगा तो रुक गए हम लोग, नहीं तो अंदर ही रहते तो अंदर का पूरा वीडियो बढ़िया से बना के आप लोग को दिखाए होते। इस साल तो नहीं, अगले साल हम लोग ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को, क्योंकि हमें लेट हो रहा है वहाँ जाने के लिए 80 घाट पे, वहाँ का बहुत हम लोग नामों में सुनते हैं तो इसलिए वहाँ जाएंगे। बाकी देख सकते हैं आप लोग वीडियो हम बना दिए हैं पूरा, आप यहाँ से लास्ट तक उसके सीढ़ियों तक आप दीप जलता हुआ ऐसे ही देखेंगे। बाकी अब बाहर से हम गेट दिखा देते हैं, देख सकते हैं बाहर से पूरा ऐसे दिखने में लगता है मुलंग धकुटी बिहार, इस मंदिर के गेट पे लिखा गया है जो भी हो। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग को घूमना हो तो दोस्त सारनाथ आइएगा कभी दीपावली पे, अगर घूमना तो आइएगा, और 6 बजे के बाद बाहर मत निकलिएगा, अंदर ही 6 बजे रहिएगा, जो लोग अंदर रहते हैं उनको बाहर कर देते हैं आराम से,
गेट खोल देते हैं उनके लिए, इसलिए बाहर आप लोग बिल्कुल मत निकलिएगा। और 6 बजे के पहले जब अंदर आएंगे तो आराम से खूब घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल जब तक मन करे एकदम घूम के वीडियो वीडियो बनाइए। और दिखा रहे हैं इस मंदिर के सामने जस्ट बजरंगबली का मंदिर है, और आइएगा तो आप लोग बजरंगबली का भी दर्शन करिएगा। देख सकते हैं बजरंगबली का छोटा मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर विचार ऐसा बनाएंगे तो 6 बजे से पहले ही आ जाइए सारनाथ, और अंदर चाहे जब तक मन करे तब तक गेट बंद होने के बाद भी आप लोग वीडियो बनाइए, गेट आपके लिए खोल दिया जाएगा जब आप बाहर जाना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बाय बाय, टाटा।